नमस्कार स्टार अभी तक चैनल में आपका स्वागत है। खबर साहिबगंज शहर में नए ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर है, जो विश्वकर्मा पूजा के अवसर पर पुलिस अधीक्षक नौशाद आलम ने लॉन्च किया है। इस संबंध में रविवार की शाम पुलिस लाइन मैदान में उन्होंने इसकी विस्तृत जानकारी मीडिया कर्मियों को दी। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि शहर में ट्रैफिक व्यवस्था लागू कर दी गई है। आम लोगों से भी उन्होंने अपील किया कि इस ट्रैफिक व्यवस्था में वह भी सहयोग करें। ट्रैफिक व्यवस्था के साथ साथ अपराध नियंत्रण करने के लिए उन्होंने मोबाइल टाइगर को भी नए सिरे से शहर के विभिन्न क्षेत्रों में व्यवस्थित तरीके से नियुक्त किया है। इस संबंध में पुलिस अधीक्षक एवं अन्य पुलिस पदाधिकारी ने अपने अपने विचार भी व्यक्त किया। नई ट्रैफिक व्यवस्था लॉन्च करने के समय जिला परिवहन पदाधिकारी विष्णुदेव कच्छप सहित पुलिस विभाग के तमाम वरीय पदाधिकारी एवं थाना प्रभारी उपस्थित थे, जिन्होंने सुझाव एवं ट्रैफिक कंट्रोल के लिए अपने अपने विचार भी व्यक्त के संबंध में उपस्थित पदाधिकारी ने क्या क्या विचार रखे, चलिए जानते हैं और ट्रैफिक व्यवस्था को समझते हैं। रिपोर्ट प्रवीण कुमार, स्टार अभी तक। विश्वकर्मा पूजा के अवसर पर पूरे साहेबगंज वासियों को शुभकामनाएं बधाई साहेबगंज पुलिस परिवार की ओर से। अभी साहेबगंज वासियों के लिए ट्रैफिक का समस्या को निदान करने के लिए और प्लस टाइगर मोबाइल को अपग्रेड किया गया है। अभी ये मैंने सुपुर्द कर दिया है आम जनमानस के सुविधा को। आपके माध्यम से हम आह्वान करेंगे कि लोग हम लोगों को सहयोग करें। हम निश्चित रूप से उचित व्यवस्था और जल्दी ये अच्छी व्यवस्था हम लोग लगाएंगे, ताकि जो कठिनाइयाँ हो रही उससे हम लोग को नहीं जा पाए। चाहे टोटो से संबंधित हो, चाहे थ्री फोर व्हीलर से संबंधित हो, बड़ी वाहन से संबंधित हो, डीटीओ साहब यहाँ उपलब्ध है। यहाँ डीटीओ साहब यहाँ उपलब्ध, इनको मैंने रखा है। जो भी होगा उसको हम लोग देख के उसका निदान करेंगे। जहाँ जगह लगाने की ट्रैफिक व्यवस्था के बारे में बहुत विस्तृत जानकारी दे रहे थे, उसमें अग्री मेरा एक महीना 12 दिन यहाँ पर हुआ है। यदि ये हो बहुत कुछ समझना है आप लोगों के माध्यम से भी। सही बातें सरकार का एक महत्वपूर्ण अंग है परिवहन विभाग, जो रेवन्यू कलेक्ट करता है, मेन फोकस है। दूसरा है ट्रैफिक व्यवस्था को दुरुस्त करें, कैसे करें और लोगों को ज़्यादा एक्सीडेंट होगा जो होता है उसको हम कैसे बचाएं, ये मेन मुद्दा। जहाँ तक आप लोग सबको पता है कि साहेबगंज ज़िले में यातायात को लेकर काफ़ी समस्या है। आप अगर बड़े शहरों से तुलना करें तो रांची का अपर बाज़ार और धनबाद का पुराना बाज़ार, ये एक छोटा जगह है। उसी तरह से साहेबगंज का छोटा सा मार्केट काफ़ी कंजेस्टेड है। इन दोनों जगहों पे बड़ी गाड़ियों का पूर्णतः प्रवेश निषेध रहता है, मगर हमारे यहाँ दिन के समय में दोपहिया, चार पहिया, टेम्पो, टोटो, ये सभी चलते हैं। इसके कारण आप लगातार देख रहे हैं कि जाम की समस्याएं बनी रहती हैं। हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा एक नई व्यवस्था यहाँ शुरू की जा रही है, जिससे हम लोग यहाँ के ट्रैफिक व्यवस्था को अच्छे ढंग से, सुचारू ढंग से चलाने का काम करेंगे। सर के द्वारा काफ़ी अच्छा प्रयास किया जा रहा है। टाइगर मोबाइल के कार्यक्रम स्वागत करता हूँ मैं, चूंकि इस टाउन क्षेत्र में करीब 2.5 साल से पदस्थापित हूँ। मैं इस टाउन देखा हूँ यहाँ पर नगर थाना क्षेत्र मिलाकर रहा हूँ। मैंने यहाँ पर रहते हुए ट्रैफिक की गंभीर समस्याओं को देखा है सर। पहले जब हम शुरू में पदस्थापित हुए थे 2020 के आसपास में, तो ग्रीन होटल मोड़ के पास 2 ट्रैफिक जवान रहते थे, लेकिन बाद में बल की कमी की वजह से इसको हटा दिया गया था। तो उस समय से आज तक सर ट्रैफिक की काफ़ी समस्या है। जैसे वहाँ पे वन वे हुआ करता था सर, ग्रीन होटल मोड़ के पास वो ख़त्म हो गया। कंटन स्टैंड के पास तो पुल के नीचे हम लोग का TOP में जवान रहते थे, देखा करते थे, उनको बाद में वो हो गया, समस्याएँ बढ़ती चली गई। और कुछ ट्रेनिंग प्रोग्राम की वजह से भी जवान चले गए, नहीं तो पूर्वी फाटक में भी कुछ लोग रहते थे जहाँ ट्रैफिक कंट्रोल किया जाता था। वर्तमान में सर सर्कल द्वारा ट्रैफिक पुलिस का फिर से पूरी तरह से मॉडल के रूप में, एक मॉडल के रूप में ट्रैफिक पुलिस लागू की जा रही है और अच्छे तरह से ट्रैफिक रूलों का भी पालन कराया जाएगा। ट्रैफिक की सुविधाएँ तो आपको जाम की समस्याओं तो निजात मिलेगा ही, लेकिन आम